नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। दिल्ली यमुना नदी की इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे राजधानी की सिर्फ हवा की गुणवत्ता ही जहरीली नहीं हुई है, बल्कि पानी भी खराब हो गया है। लॉकडाउन में साफ हुई यमुना नदी में एक बार फिर से प्रदूषण की वजह से जहरीला झाग बनने लगा है। ये तस्वीरें दिल्ली के कालिंदी कुंज स्थित यमुना नदी की हैं। कालिंदी कुंज में यमुना नदी में झाग ज्यादा देखने को मिल रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे यमुना के पानी में सफेद झाग बह रहा है। दूर से ही देखने पर यह झाग ऐसे लग रहे हैं मानो यमुना में सफेद बर्फ की चादर बिछी हुई हो। कई लोग इस दृश्य को अपने कैमरे में भी कैद कर रहे हैं। यमुना नदी में सफेद झाग बहने का एक वीडियो बुधवार का है, जिसको ANI ने ट्विटर पर शेयर किया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इसको लेकर लोग चिंता जाहिर कर रहे हैं। लोगों का एक ही सवाल है कि जब ये समस्या हर साल आती है तो प्रशासन इससे निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं करता। यमुना में बढ़ते प्रदूषण के बाद बीमारी फैलने की आशंका बढ़ गई है। जो लोग यमुना के पानी का इस्तेमाल नहाने के लिए करते हैं वो इससे संक्रमित हो सकते हैं। बता दें कि दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति गंभीर बनी हुई है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया है। बुधवार को भी दिल्ली के कई इलाकों में धुंध छाई रही। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक दिल्ली के मुरादाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 415 दर्ज किया गया है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। वहीं कई इलाकों में AQI 300 से 400 के बीच बना हुआ है। प्रदूषण से लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है, खासकर कोरोना मरीजों के साथ ये समस्या ज्यादा बढ़ गई है। दिक्कत तो हो रही है क्योंकि हम लोग सुबह रोज मॉर्निंग वॉक जो भी करते हैं तो उनको अब सांस लेने में जैसे सफोकेशन हो रहा है, ऊपर से मास्क भी पहनना पड़ता है तो दिक्कत आती है सांस लेने में। As we see from last many years, Mr. Kejriwal is doing some even and odd methods to cure the pollution for the transportation. I think this method is very good. बता दें कि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के पीछे पड़ोसी राज्यों में पराली जलाना भी एक मुख्य कारण है। दिल्ली में प्रदूषण में पराली जलाने की हिस्सेदारी इस साल सबसे ज्यादा दर्ज की गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।